दिया है सानवी के लिए और सासू जी ने बोलिया है वैदिक के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो अभी बज रहे हैं इस टाइम पे 3:15 और पहले हम गए थे गरम धर्म और अमरिक सुखदेव जो कि सोनीपत में है मुड़तल। तो अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं मेट्रो वॉक दिल्ली में रोहिणी में। तो वैसे तो आज सुबह से काफ़ी थक चुके हैं हम, क्योंकि आज सुबह से हम ट्रैवल ही कर रहे हैं, जब से हम निकले हैं घर से तब से हम ट्रैवल ही करे जा रहे हैं। तो भैया हम तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि सुबह से हम ड्राइविंग ही करे जा रहा हूँ मैं। ट्रैवलिंग ज़्यादा हो गई, ट्रैवलिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई आज सुबह से कम 6:30 बजे से हम ट्रैवलिंग ही कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हमने इन्जॉय किया वहाँ पे गरम धर्म पे। तो आज हम यहाँ पर चलते हैं। वैसे तो मैं पहले यहाँ पे आ रखा हूँ अंजलि, मैं तो यहाँ पे अनगिनत टाइम आई हूँ, मुझे याद भी नहीं होगा मैं कितनी बार आई हूँ, कम से कम 25-30 बार तो आई होंगी, बिकॉज मेरा मायका यहीं पे पड़ता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब यहीं था, तो हम तो मतलब एक तरीके से घर जैसा था। इंस्टीट्यूट से छुट्टी हुई, चलो मेट्रो वॉक। वैसे मेरा भी इंस्टीट्यूट यहीं पर ही है, रोहिणी में था पहले 17 में। तो मैं भी आ रखा हूँ पहले यहाँ पे मतलब 2-3 बार, बट आज जब हम यहाँ पर आए हैं वैदिक के साथ में। बस एक बात है, वैदिक को हमने मतलब वैदिक अभी 5 महीने का होने वाला, तो ये काफी जगह पर घूम गया है, मतलब दिल्ली के बहुत सारी जगह पर घूम गया है हमारे साथ में। और देखो अभी जगह भी हुआ है वैदिक, और देख भी रहा है, देख भी रहा है। तो हमारे साथ साथ ये भी ब्लॉगिंग करेगा कल को। तो करते हैं अभी यहाँ पे एंट्री और देखते हैं कैसा है अंदर का माहौल, क्या क्या चीज हम कुछ शॉपिंग करते हैं, क्या यहाँ पे हम करने वाले हैं भी नया। तो बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में, चलते हैं अंदर। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा है इसका नज़ारा, बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है इनका। वैसे मौसम तो आज सुबह से ही काफ़ी अच्छा हो रखा है। पार्किंग यहाँ पर है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे साइड में पार्किंग है। हाँ आज धूप नहीं है तो आज इतना थोड़ा सा हम जो टायर्ड फील हमने किया वो थोड़ा एक्साइटमेंट अच्छी हो रही। तो करते हैं यहाँ से एंट्री हम। अगर जो यहाँ पे नहीं आया है ना मेट्रो वॉक में, तो उसके लिए तो देखने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, क्योंकि घूमने के पर्पस से बहुत ही बेस्ट जगह है। यहाँ पे काफ़ी सारे एडवेंचर्स होते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर मतलब एडवेंचर्स होते हैं। हमारी एनिवर्सरी पे भी हम लोग यहीं आए थे, तो हम यहाँ पे ना प्लेन टाइप का है, लाइक तो आपको हाँ रेस्टोरेंट है प्लेन के अंदर, तो वहाँ पे हमने खाया पिया था। तो आज दोबारा मुझे लग रहा है एनिवर्सरी के बाद हम आज ही आ रहे हैं ना, नहीं आए हैं शायद, मुझे लगता है पहले। हाँ तो प्लेन टाइप का है जहाँ पे मतलब सब कुछ लंच डिनर मतलब सब कुछ होता है वहाँ पे, वो भी दिखाएंगे हम आपको। तो मतलब अगर उसमें बैठते हैं आप तो आपको कुछ ऐसा फील होता है कि जैसे आप किसी प्लेन में बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ देखिएगा गाइस कैसा है यहाँ का सब अंदर का, क्योंकि यहाँ पे सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे अगर कुछ आपको खाना पीना है, लंच करना है, तो वो भी सब यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मैकडी है सामने, और यहाँ पे फाउंटेन है जो कि अभी बंद हो रखा है। ये देखो जी लड़कियों का तो बस यही है, जहाँ भी आओ बस शॉपिंग बस, है ना, बाकी सब कुछ बाद में, बस पहले शॉपिंग स्टार्ट। एस नाम की, एस नाम की तो तुम एस ऐसे नाम की तो तुम खुद लोगी, ए नाम की दिलाऊंगा मैं तुम्हें। कल तो हम शॉपिंग करने जा रहे हैं आगे, मतलब शॉपिंग क्या टॉयज लेने जा रहे हैं और हमेशा वैदिक के लिए, और हमेशा की तरह हाँ रहने दो अभी। वैदिक फुल मजे लेते हैं वेदर के, अच्छा आ रहा है यहाँ पे। तो ये है वो एरोप्लेन जिसके अंदर रेस्टोरेंट है ना, मतलब जहाँ पे हम पहले गए थे। हाँ तो यही वो एरोप्लेन है जहाँ पे हम पहले गए थे, और काफी अच्छा है अंदर से। हाँ अभी शायद वो बंद हो रखा है क्योंकि मैंने पता किया था किसी से, तो वो बंद हो रखा है अभी। अच्छा कोविड की वजह से बंद होगा शायद, है ना। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अब कितना अच्छा यहाँ का नजारा है, कितना अच्छा व्यू है। यहाँ पर एक्चुअली बोटिंग भी होती है, अभी पूछता हूँ, मुझे लग रहा है कि बोटिंग भी यहाँ पे बंद कर रखी है। हाँ बंद है, बोटिंग करनी रहा है, नहीं देखो ना बंद है, गेट बंद है यहाँ पे लगा हुआ है, और ये गौरी के बाकी के मेंबर पहुंच चुके हैं, गए थे रास्ते में और लेट पहुंचे हैं, नेविगेशन इनको रास्ता गलत बता दिया था हमारी तरह, भूले बिसरे पहुंच गए। और ये शानू मोबाइल को देखती है बहुत गुर के, शानू ये शानू 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 पापा के पास, और वैदिक भी अपने पापा के पास। मतलब क्या कुछ बेटा कहते वैदिक
और देखिए वैदिक खेल रहा है यहाँ पे, वैदिक तो मजे ले रहा है भाई। आशीष भाई ने 15 मिनट लेट कर दिया यहाँ पे आने में। और देखिए बोटिंग के लिए कितना अच्छा कर रखा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम बोटिंग कर सकते हैं और इसके ऊपर कुछ रेस्टोरेंट है। सामने आप देख रहे होंगे कुटुंब करके भी एक रेस्टोरेंट है जो कि मैं जा रखा हूँ पहले, काफ़ी तो काफ़ी अच्छा है। ऊपर भी एक रेस्टोरेंट है पंजाबी करके कुछ है, पिंड बलूची भी है ऊपर। हाँ पिंड बलूची के सामने आई थिंक कुछ पंजाबी करके भी है कुछ, तो वो भी व्लॉग बन रहा है अभी फोटो। तो मैं टॉक में आगे आके लग गई, इनको बहुत ज़्यादा भूख, तो इन्होंने ऑर्डर कर लिया है। पूछती हूँ क्या किया ऑर्डर, क्या क्या ऑर्डर किया है, क्या क्या ऑर्डर किया है। मैंने एक चिली पटेटो और एक वेज मोमो सोया वाले। अच्छा काफी अच्छे हैं, थोड़ा सा कॉस्टली तो है यहाँ पे मेट्रो वॉक के अंदर, बाकी खा के पता चलेंगे अच्छे हैं क्या है, पता चलेगा कि कितना टेस्टी है। अच्छा इनसे पूछ लीजिए कितना टाइम लगेगा, हम आगे से कुछ शॉपिंग कराते हैं। 10 मिनट्स लगेंगे यहाँ पे, मतलब उसको लगेंगे तो इनको बोल दो हम आ जाते हैं कहीं। ये है कुछ बैक साइड से व्यू, यहाँ पे हर टाइप के सैलून, हर टाइप के ब्रांडेड कपड़े या शोरूम वगैरह सब मिल जाएंगे। अभी ड्यू टू कोविड तो आधे खाली है, नहीं तो ऑल टाइम बिजी रहते हैं, ऑल टाइम बिजी। वैसे यहाँ पे मैं काफी बार आ रखा हूँ 3-4 बार, बट फर्स्ट टाइम मैं ऐसा देख रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब क्राउड काफी, मतलब काफी कम है, कम मतलब है, भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पे। हाँ। क्योंकि मतलब भीड़ तो है, मतलब उतनी ज्यादा नहीं जितनी होती है। हो सकता है कि अभी इस टाइम पे टाइम नहीं हुआ उतना, क्योंकि जब इवनिंग होता है तो ज्यादा तब ज्यादा भीड़ होती है, जैसे 6 बजे 7 बजे। अब ये नहीं, अब ये बाबा जी पुराने हो गए, अब नया कलेक्शन आ गया। और ये दो जगह भेलपूरी करवाई, एक तो खट्टी वाली और एक सासू जी के लिए कौन सी, मीठी वाली। नहीं वो खट्टी वाली खाएंगी, मम्मी खट्टी वाली, आप खट्टी मीठी खा लेना। तो ये भेलपूरी चिल्ली, एक तो चिल्ली पोटैटो मोमो और ये भेलपूरी, पता नहीं कितनी भूख लग गई है, उसी टाइम खा लेते 2-3 पराठे। काफी भूख लग जाती है, और कहते हैं इतने लंबे ट्रैवल पे आओ फिर थक तो जाते हैं वैसे। सही बात है। तो यहाँ पे कैंडी फ्लोस चुस्की भी है, अरे यहाँ पे चुस्की भी है, पीछे चुस्की लिखा है, जाते समय पियेंगे चुस्की। खट्टी मीठी किसको चाहिए, खट्टी मीठी सुधीर जी को दे दो, हम तो सिर्फ खट्टी वाली खाएं। बहुत तेज लगी है भूख, सही में बहुत तेज भूख लग रही थी हमें। और यहाँ के जो मोमोज है बहुत अच्छे है, मोमोज यहाँ के काफी अच्छे मोमोज हैं, तो काफी अच्छे लगे हमें वैसे। हाँ बिल बड़ी अच्छी है, और चिली पटेटो पे भी टेस्ट कर रहे हैं, चिली पटेटो अच्छे हैं, तो चिली पटेटो भी काफी अच्छे हैं। हाँ हमने उनको बोला था कि आप थोड़ा कॉस्टली दे रहे हो, उन्होंने कहा यहाँ के बर्गर आपको बिल्कुल ऐसे लगेंगे, खा के देखो। सीरियसली अच्छी है बात, थोड़े से कॉस्टली है मानते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। सो चिली पटेटो इतने टेस्टी हो रहे हैं कि यहाँ पे डब्बा खाली हो चुका है, लेकिन भाई एक बचा, एक बचा, और ये एक बचा, छोड़ नहीं रहे भाई, भाई तो जरूर फोकस चलेगा। देखो दोनों लास्ट तक खाएंगे, भाई ने कुछ कम खाया लेकिन भाई को फोकस पूरा है, इन्होंने ज्यादा खाया उसको नहीं, इन्होंने ज्यादा खाया सबसे ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा। तो ये है वो शॉप जहाँ से हमने बर्गर चिली पटेटो एंड मोमोज लिए, तो मोमोज तो हमें इतने ज्यादा पसंद आए, हम दोबारा मंगवाने वाले हैं, मंगवा लिए हैं, अभी ऑर्डर बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे बर्गर हो गए रेडी। हाँ तो हमें मोमोज और चिली पटेटो इतने अच्छे लगे कि हमने बर्गर भी लिए, थैंक यू सो मच, काफी अच्छे बनाए हैं। नहीं नहीं आपको भी कैप्चर कर रहे हैं, तो आप आ जाओ। तो वही अब जिस मैं ये बोलना चाहूंगी, मिस्टर शेफ इट्स वेरी फेमस, ओके स्पोर्ट्स इज वेरी क्लास, इट्स वेरी यम्मी फूड, मिस्टर शेफ इंटरनेशनल मेट्रो वॉक सर, ओके दैट्स ग्रेट। 3 आउटलेट्स मिस्टर शेफ, पानीपुरी एंड चाइनीज स्टॉक, ओके ग्रेट, क्लास फूड, थैंक यू फॉर सर्विस, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने सही बोला, हमने भी जब इन्हें टेस्ट किया तो सीरियसली बहुत ही क्लासिक फूड और काफी अच्छा और टेस्टी है। तो भाई जो भी मेट्रो वॉक आए तो यहाँ पे ट्राई कर सकता है, जरूर करे, बिल्कुल बिल्कुल, ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच।
तो टेस्ट करिए फिर अभी आशीष भाई बर्गर, बाकी तो हमने सब टेस्ट कर ही लिया है। तो कैसा आशीष भाई टेस्ट? बहुत अच्छा है। तो यहाँ की सारी चीज ही काफी अच्छी है, मतलब प्योरली वेज और बहुत 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 टेस्टी, काफी सॉफ्ट और काफी स्मूथ है, मतलब काफी खराब है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर काशी ने टेडी बियर लिया था यहाँ से, तो हमें बहुत अच्छा लगा वो टेडी बियर, तो हम भी अब टेडी बियर गाड़ी के लिए दो लाइन भी लेने हैं। अच्छा, ताकि कोई हमसे पीछे हमारे गाड़ी में टच ना करे। काफी अच्छे काफी अच्छे टॉयज है, देखो यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे टॉयज है यहाँ पे। तो अभी जो है और लोगों को भी यहाँ पर पसंद आ गए, तो अभी वो चूज कर रहे हैं। और सचिन भाई तो अपनी गाड़ी के लिए ले रहे हैं दो लायन, और इन्होंने तकिया वाला कुत्ता ये भी कुछ अच्छा लग रहा है लिया है। और इनके इनके प्राइस भी काफी अच्छे हैं, रीजनेबल प्राइस है। तो मैंने लिया है वैदिक के लिए मंकी, क्यूट सा, अच्छा लग रहा है ना? मैंने पसंद किया था ये वैदिक के लिए, काफी सही है। तो बताया नहीं, लेकिन नहीं तो वैदिक के लिए ठीक है ना, वो जो काशी के लिए लिया वो काशी के लिए परफेक्ट है। अच्छा, तो ये हमने मोंगी लिया से, अच्छी है भैया, काफी अच्छे आपके पास सामान है। और ये जैसे एंट्री करते हैं वैसे ही है ना, एंट्री करते ही भैया की शॉप है, येलो वाला। ये किसके लिए लिया? ये सानवी के लिए लिया मैंने। अच्छा, ये सानवी के लिए, ये लिया है सानवी के लिए, और सासू जी ने वो लिया है वैदिक के लिए। अच्छा, तो बहुत रीजनेबल प्राइस है, ये तो सबसे अच्छी बात है, बहुत बहुत। और अगर यही आइटम ना, यही आइटम अगर हम जाते हैं आर्चीज के पास या किसी और शोरूम पे, हाँ मुझे लग रहा है 1000 से तो कम का मिलेगा ही नहीं, आई थिंक। बट दो वैदिक हो गए, एक वैदिक दो वैदिक। हाँ सो गाइस, अब हम मेट्रो वॉक से जा रहे हैं घर की तरफ। ये जी जी मेरे लिए लेके आए हैं, थैंक यू जी जी। हाँ ओ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बंदरिया लेकर आए। अच्छा, ये बात जो है सुधीर जी को सीधे हम नहीं भेजेंगे वीडियो, ब्लॉग के थ्रू जाएगी। और यहाँ से हम ले रहे हैं अलविदा, तो बहुत अच्छा लगा आज तो भाई यहाँ पर। आज का दिन ना मन गया, मतलब अच्छे से हमने मजे कर लिए, मतलब थकान भी काफी हो गई, लेकिन थकान उतर भी गई, लेकिन काफी। सो गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं पे करते हैं एंड, और जल्दी मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सपोर्ट कीजिएगा और बाय बाय, टेक केयर। और आप भी ऐसे ही मस्त रहिएगा और अपने परिवार के साथ रहिएगा, और ऐसे ही मौज मस्ती कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।